नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 83। ये 3D का प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। ये भी कैरियर पॉइंट का लेवल 2 3D के चैप्टर में अपन देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 102 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। तो देखिए स्टार्ट ऐसे करते हैं, हमारे पास लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x-2y3 = y+1/4 = z-2/12। ये लाइन की इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है x-y+z = 16। ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैंने p का नाम दिया, ये है 1, 0, 2। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अगर अपन डायग्राम बनाएं, लेट करें ये प्लेन का इक्वेशन हमने बना दिया। लाइन कोई अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइन के लिए हम एक काम कर सकते हैं, लेट कीजिए लाइन इस तरीके से कट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन इस प्लेन को कट कर रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसको अगर मैंने क्यू का नाम दिया और ये P पॉइंट मान लिया दिया हुआ है, तो आपको जो क्वेश्चन में निकालना है वो आपको निकालना है PQ का लेंथ निकालना है। तो देखिए हमारा फंडा पहले ये है कि इस लाइन पर, इसी लाइन पर कोई पॉइंट Q निकाल लेते हैं, और इस Q पॉइंट की खासियत ये होगी, ये Q पॉइंट आपका प्लेन पर भी लाई कर रहा होगा। तो देखिए Q पॉइंट को निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं x-2/3 = y+1/4 = z-2/12 = λ। इसको हमने लेट कर लिया। अब अपन यहां से पॉइंट निकालते हैं, सो x हो गया आपके पास 3λ+2, y आ गया आपके पास 4λ-1, और z आ गया आपके पास 12λ+2। तो हम कह सकते हैं ये जो Q पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया 3λ+2, 4λ-1 और 12λ+2। तो कॉन्सेप्ट ये रहा कि सबसे पहले हम लोगों ने लाइन पर एक पॉइंट निकाल दिया जिसका कोऑर्डिनेट को हमने Q का नाम दिया। अब हमने माना कि लाइन और प्लेन इस Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब चलिए क्यू के कोऑर्डिनेट हम लोग प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हमें मिल जाएगा 3λ+2, उसके बाद हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा -4λ+1, उसके बाद +12λ+2 = 16। अब इसको अपन लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 3, 12, 15 - 4 = 11λ और +5 = 16, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आती है अपने पास वो 1 निकल के आती है। लैम्डा सॉल्व करके हमारे पास 1 आ गया, तो हम यहां से क्यू का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो क्यू पॉइंट आपको मिल जाता है इस तरीके से 5, 3 और 14। हम लोगों ने इस तरीके से वो पॉइंट क्यों निकाल दिया जो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब क्यू फाइंड करने के बाद हम लोग पी क्यू डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए सो पी क्यू निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। देखिए पी पॉइंट हमें पता है 1, 0, 2 और ये पता है 5, 3, 14। तो देखिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हो जाएगा 5-1² + 3-0² + 14-2². अब इसको अपन सिंपल सॉल्व करते हैं, ये होगा 16
प्लस 9 और ये हो जाएगा 144। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 169 और ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 13। यही फाइनल आंसर होगा।